मैं जिंदगी के हर सफर में तुम्हारा हम सफर रहूंगा, वादा ये मेरा तुमसे। ज़िंदगी के कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जहाँ आपको अकेले ही जाना पड़ता है, आपसे पूछा नहीं जाता, बस ले जाया जाता है चुपचाप अकेले। तुमको यूँ अकेले जाने नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहूँगा। किसी की इतनी आदत भी अच्छी नहीं होती, और ख़ास तौर पर बीवी की। क्या पता कब नाराज़ होकर छोड़कर चली जाए। ओए होए, क्या हमारी तस्वीरों को देखकर याद किया जा रहा है। ये ले मैडम आपकी चाय। शाम अधूरी है चाय के बिना, और हमारी जिंदगी अधूरी है आपके बिना। महबूबा नहीं हूँ जावेद साहब, बीवी हूँ आपकी। अरे आपको क्या पता, बीवी को महबूबा बनाकर जो इश्क करने का मजा है ना, क्या बात है। वैसे किसी की इतनी आदत भी अच्छी नहीं होती, और खास तौर पर बीवी की। क्या पता कब नाराज होकर छोड़कर चली जाए। बेगम साहिबा, पहली बात तो ये कि मैं आपको कभी नाराज नहीं होने दूंगा, और अगर कभी नाराज हो भी गई तो तुमको यूं अकेले जाने नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहूंगा। जिंदगी के कुछ सफर ऐसे होते हैं जहां आपको अकेले ही जाना पड़ता है, आपसे पूछा नहीं जाता, बस ले जाया जाता है चुपचाप अकेले। मरियम, मैं जिंदगी के हर सफर में तुम्हारा हम सफर रहूंगा, और कहा ना, तुमको कहीं भी कभी भी अकेले जाने नहीं दूंगा, वादा ये मेरा तुमसे। जावेद, हमारे मुल्क में डिलीवरी के दौरान कई अमवात होती हैं, मैं डर गई हूँ बस। अरे डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुमको और हमारे होने वाले बच्चे को कभी भी कुछ नहीं होने दूंगा। अच्छा अब ये सैड मूड छोड़ो और चाय पियो, बताओ मैंने कैसे चाय बनाई है। जी अच्छा। बस सही है। अच्छा। देखो बेटा, ऐसे ही कब तक माजी को याद किए खुद को भी अफसोदा करते रहोगे और मुझे भी अफसोदा रखोगे। अम्मी मैं रो थोड़ी रहा हूँ, बस वो रात से जुकाम है। बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, 9 महीने अपनी कोख में रखा है। एक माँ आंखों से निकले आंसू और नज़ले से निकले पानी का फ़र्क बखूबी जानती है। देखो बेटा, जो हुआ वो खुदा की मर्ज़ी थी, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह घुट घुट के मरता नहीं देख सकती। तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते। अम्मी आप मेरी दूसरी शादी की इज्जत छोड़ क्यों नहीं देते। अरे बेटा अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, जवान हो, खूबसूरत हो और ठीक ठाक कमा लेते हो, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। मैं तो सिर्फ जिंदा हूँ अम्मी, जिंदगी तो मेरी मरियम के साथ ही खत्म हो गई है। देखो बेटा, जितनी मोहब्बत तुम मरियम से करते हो ना, उससे कहीं ज़्यादा वो तुमसे करती थी। तुम्हारी ऐसी बातों से, तुम्हारी ऐसी हालत देख के क्या वो खुश होगी क्या। हमारे मुल्क में ना जाने कितनी जवान लड़कियां शादी के इंतज़ार में बैठी हैं और अच्छे रिश्तों की तलाश में हैं। एक तुम हो कि तुम्हारी शादी की उम्र है, फिर भी तुम शादी नहीं करना चाहते। अम्मी मैं भी ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हूँ, और मेरी शादी तो मेरी उम्र में ही हो गई है। आप हीरा की शादी की फिक्र करें,
उसकी भी शादी की उम्र हो गई है। मैं कह रही थी कि बहू आती और बेटी रुखसत होती। आप नहीं मानेंगे, आप हीरा की शादी की तैयारी करें, उसके बाद बहू भी आ जाएगी। ठीक है, मैं अभी जाके रिश्ते वाली को फोन करती हूँ। ठीक है बेटा। अरे बहन लीजिए ना, आप कुछ लीजिए, कुछ खाएं। अच्छा मुझे ये बताएं कि इसमें से हीरा ने क्या बनाया, सबसे पहले मैं वो खाऊंगी। अरे इन्हें पढ़ाई से फुर्सत मिले तो कुछ सीखें और कुछ बनाएं, बस कभी कभी चाय और नाश्ता बना लेती है। वो भी सिर्फ अपने लिए। कोई बात नहीं, सीख जाएगी वक्त के साथ साथ। मुझे भी कुछ कहाँ आता था, पूछ लें अपने भाई से। बहन जी, आपकी बहन एक मुद्दत तक मुझे जलावा खिलाती रही है और मुझे देखें फिर भी तारीफ करता था। अरे इकबाल साहब, इतनी भी मेरी बुराइयां ना करें कि हीरा शादी से ही मना कर दे कि सास इनकी ऐसी है। अरे सास भी तो माँ होती है ना, अगर आजकल की बहू बेटियां समझे तो। अरे आजकल की बहुएं ये कब समझती हैं कि माएं कितनी मुश्किलों से बेटों को पाल पोस के जवान करती हैं और वो उन्हें चंद दिनों में लेके जुदा हो जाती हैं। अरे भाई, हम यहाँ मिलने के लिए आए हैं बेगम, और अब जुदा की बातें ले बैठे। भाई हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद है, अब आप ना मेरे बेटे की छानबीन कर ले। कोई कितनी किसी की छानबीन करेगा। वैसे भी आंटी, शादी तो एक जुआ है, ये तो बहन और बेटी का नसीब होता है। हाँ बहन, मैंने बड़े बड़े बिगड़ों को शादी के बाद सुधरते हुए देखा है। हीरा, तुम मेरे बेटे को सुधार देना, ठीक है? बिल्कुल वैसे बेटा जैसे तुम्हारी सास ने मुझे सुधारा। देखिए बहन, आपको भी कोई एतराज नहीं और हमें भी बच्ची बहुत पसंद है, तो आप ना हमें रसम की इजाजत देते हैं। जी जी बिल्कुल जरूर। ला बेटा जरा सीधा हाथ आगे करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबारक हो। मुबारक हो बहन। खैर मुबारक। मुबारक हो। ये लो बेटा, ये नेक है। अरे रख लो बेटा। भाई आपको भी मुबारक। अब चूंकि हीरा मेरी बेटी बन चुकी है, इसलिए मैं अपनी बेटी के हाथ की चाय पीऊंगा। ये ले, मुंह मीठा कर। चलो भाई, पहले मैं तंग थी इकबाल साहब की चाय से, अब हीरा तंग होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम, अच्छा हुआ तुम आ गई, तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। क्यों? अरे बेटा तुम्हारी शादी सर पर है और मेरी तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि क्या रखूं और क्या ना रखूं। अम्मी आपको सब पता तो है, सब ठीक है। बिन बाप के कैसे तैसे करके पाला है तुम्हें, और तुम्हारी जिम्मेदारियों में कोई कमी रह गई तो क्या मुँह दिखाऊंगी ऊपर जाके तुम्हारे बाप को। अरे अम्मी यही शक्ल दिखाइएगा, अब्बू बहुत खुश होंगे और आप जो भी लाएंगे सब बहुत अच्छा है। हाँ अरे भाई, अब ये ड्रामा बंद करो और जो चीज़ तुम्हें पसंद नहीं है ना वो साइड में रख दो। ससुराल से लड़ने आएगी, इसका कलर सही नहीं है, इसकी हील ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ अभी लड़ लेते हैं, बाद में मौका मिले ना मिले। अरे अरे रुखसती से पहले रुलवाएगी क्या? हाँ पागल भाई, कुछ दिन के मेहमान है अब ये इस घर में। इस घर के आंगन में मैं खेल कर बड़ी हुई हूँ, मैं यहाँ से चली भी जाऊँ ना तो मेरी खुशबू हमेशा यहाँ रहेगी। We will miss you a lot. अपने नए घर ऐसी रोती हुई नहीं हंसती हुई शक्ल लेके जाना। अम्मी मैं आपको और भाई को छोड़कर जाना नहीं चाहती। बेटा बेटियों का घर माँ बाप का नहीं बल्कि उनके शौहर का होता है। भाई आप अम्मी का बहुत ख्याल रखिएगा और उन्हें दवाई टाइम पर दीजिएगा, और अगर आपने दवाई नहीं दी या उन्हें मीठा खाने दिया तो मैं ससुराल से आ जाऊंगी लड़ने आपसे। अरे बाप रे, अरे बाप। अच्छा काम करें, आप दोनों बैठे, मैं गर्मा गर्म सी चाय बना के लाता हूँ। भाई
बिल्कुल वैसे ही चाय बनाइएगा जैसा आप भाभी के लिए। तुम भी ना सुधरोगी, वो पहले ही मजनू है। अम्मी सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया। अम्मी मेरी शादी होते ही ना आप भाई की भी शादी कर दीजिएगा। खैरियत तो है बेगम साहिबा, आज हमारे मुंह दिखाई में दिए गए सेट को आप इतनी मोहब्बत से क्यों देख रही हैं? देखिए जावेद, अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, और एक औरत का सबसे बड़ा जेवर उसका शौहर होता है। इस जेवर से तो मैं मालामाल हूँ, तो मुझे इन सारे जेवरात की कोई जरूरत नहीं है। अरे मगर ये तो मैंने बहुत प्यार से तुम्हारे लिए बनवाया था। जानती हूँ, इसीलिए संभाल के रख रही हूँ। अरे मैंने संभाल के रखने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे पहनने के लिए बनवाया था। और मैं ये हीरा के पहनने के लिए रख रही हूँ। हीरा? लेकिन हीरा के लिए क्यों? देखिए जावेद, एक मर्द की कमाई पर सबसे ज्यादा हक उसके वालदैन का होता है, और हीरा एक बिन बाप की बच्ची है। मैं चाहती हूँ कि ये सेट आप हीरा को उसकी शादी पर दें। आज तुम्हारा मैं एक और वादा पूरा करने जा रहा हूं। तुमने जो ये सेट मुझे दिया था, अपनी अमानत, आज वो मैं हीरा के सुपुर्द कर रहा हूं। भाई आओ हीरा, आ जाओ। ये लो, तुम्हारी भाभी की ख्वाहिश थी कि तुम्हारी शादी पे वो तुम्हें ये सेट पहना हुआ देखे। हीरा ये पकड़ लो, मुझसे तुम्हारी भाभी की अमानतों की मजीद चौकीदारी नहीं हो सकती। भाई आप मुझसे वादा करो कि आप अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू करेंगे। देखिए मैंने आपकी बात मान ली ना, मैं कर रही हूँ शादी, आपको भी शादी करनी पड़ेगी। पगली, इस खुशी के मौके पे रोते थोड़ी हैं। हाँ माँ बाप के घर से हजी खुशी चाहते हैं, ऐसे रोते थोते थोड़ी चाहते। चलो अब खैर से, हीरा भी अपने घर की हो गई। जी अम्मी, कल की बात है, हर वक्त मुझसे लड़ा करती थी। पूरे घर में उसके चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी। अब उसके जाने के बाद
कितना सन्नाटा छा गया ना इस घर में। तो फिर आबाद कर दो ना ये घर। देखो जावेद, मरियम तो अब तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आएगी। किसी को शामिल कर लो अपनी जिंदगी में। अरे अपने लिए नहीं, मेरे लिए सही। ठीक है अम्मी, मैं किसी के सर पर हाथ रखने को तैयार हूँ। तो ठीक है, आज ही तुम्हारी खाला से मैं बात करती हूँ। वो कब से आलिया से तुम्हारे रिश्ते की बात कर रही थी। देखिए अम्मी, बात अगर मेरा घर आबाद करने की है तो मैं भी किसी का घर आबाद करूंगा। मैं दूसरी शादी जरूर करूंगा, मगर किसी कंवारी लड़की से नहीं, बल्कि तलाक याफ्ता लड़की से। पागल हो गए हो तुम? इतने गए गुजरे भी नहीं, किसी तलाक याफ्ता को अपने घर उठा के लिया। अम्मी, तलाक याफ्ता लड़की में क्या मसला है? अरे तलाक शरीफ जादियों को नहीं होती, बदकिरदार और आवारा लड़कियों को होती है। अब ये कहाँ लिखा है कि तलाक सिर्फ बदकिरदार लड़की को ही होगी? अरे तो शरीफ और पार्सल लड़कियों को कोई तलाक क्यों देगा? अम्मी लाजिम नहीं कि हर बार कसूर सिर्फ लड़की का हो और लड़का ही लड़की को तलाक दे। लड़की भी बदकिरदार मर्द से खुला ले सकती है। तू लाख दलीलें दे दे, तू सूरज तो मगरिब से नहीं निकाल सकता ना। ठीक है अम्मी, फिर तो हमारी बहस ही खत्म। आप तलाक याफ्ता लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकती और मैं कुंवारी लड़की से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं कुंवारा नहीं हूं। मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा, लेकिन वो पाई पाई चुकाने के लिए भी तो आपको मेरे साथ काम करना पड़ेगा ना। आपको एक चांस देना पड़ेगा मुझे। ऐसे कैसे आप मेरा अकाउंट ब्लॉक कर सकते हैं? आप जानते हैं मेरी नई नई शादी हुई है, नई नई शादी में खर्चा हुआ है। अगर शादी में खर्चा ना हुआ होता मैं आपका अकाउंट पूरा क्लियर कर देता। कितने पैसों की जरूरत है आपको? एक भी 4 से 5 लाख की। ये लीजिए, इसे भेज दें और अपना अकाउंट खुलवा लें और जो भी जरूरत है उसे पूरी कर लें। लेकिन ये तो हमारी शादी का है ना? जी, लेकिन शादी तो हो चुकी है ना, हमें आगे जिंदगी गुजारनी है, आगे का सोचना है। और जब आपके पास पैसे आएंगे तो आप मेरे लिए नया बनवा दीजिएगा। थैंक यू सो मच हीरा, थैंक यू सो मच। एक मिनट। जी मैं आपकी पेमेंट लेकर आ रहा हूँ, आप मेरा अकाउंट रेडी करें। अरे कहाँ जा रहे हैं आप, ये चाय तो पीकर जाएं। चाय के चक्कर में रहा तो लेट हो जाऊंगा मैं। तो फिर नहीं मानेगा? मैं तो खुश हूं अपनी जिंदगी में, आप लोगों को ही पड़ी है। जितने तुम खुश हो ना वो मुझे नजर आ रहा है। माँ है आप मेरी, मुझे मुझसे बेहतर जानती हैं। एक नंबर का जिद्दी है, करती हूँ किसी रिश्ते वाली से बात। हाँ वो आपको मेरी शर्त तो याद है ना? अरे हाँ याद है तुम्हारी शर्त, अब किसी बच्चे वाली की फरमाइश मत कर देना। Thank you.
पूरा कमरा फैला हुआ है, साफ कर देती हूँ। हेरा, मेरे टॉवल देना। जी। और चाय भी निकाल देना मेरी। जी ठीक है। आत्मा कितनी देर है भाई, ऑफिस से लेट हो रहा हूँ मैं। जी बस आ गई। घर का वाईफाई भी नहीं चल रहा। सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा लेट हो गई। थोड़ा नहीं, बहुत लेट हो गई हो तुम। दूसरा मौका जिंदगी किसी किसी को देती है, और इंसान को चाहिए दूसरे मौके में पहले वाली गलतियां ना दोहराएं। अम्मी आप नाश्ता करें। ये क्या बनाया तुमने? अम्मी वो गैस कम आ रही थी तो मैं जावेद के लिए लंच बनाने लगी, जैसे ही मैंने मुड़ के देखा अचानक गैस तेज हो गई। तो नया बना लेती? वो साथ ही आपने आवाज दे दी तो मैं यही ले आई। आटे दाल का भाव पता है तुम्हें, जो ऐसे राशन बर्बाद करने के लिए उसे मशवरा दे रहे हो? पता नहीं क्या हो गया आजकल की माओं को, अगर बेटियों को तहजीब और घर गृहस्थी सिखाएं तो ये दिन ना देखने पड़े। ए, ये क्या तुम हर वक्त काम करती रहती हो? बैठो। तुमने नाश्ता किया? वो आपके लिए और अम्मी के लिए नाश्ता बना रही थी। तो अपना भी बना लेती, साथ बैठकर खा लेते। अच्छा चलो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम्हें घर के लिए कुछ चाहिए? जी वो अभी मैंने देखा ही नहीं कि क्या लाना है क्या नहीं लाना। चलो चेक करके मुझे बता देना, मैं ऑफिस से वापसी पे लेता हूँ, कॉल कर देना मुझे। अभी मैं जा रहा हूँ, दिखाता हूँ।
अयान आज ऑफिस से जल्दी आ जाइएगा, रोज लेट हो जाते हैं। तुम्हारा मसला क्या है? सुबह ऑफिस के लिए जाओ तो चिक चिक, वापस आओ तो चिक चिक, घर बैठ जाऊं काम ना करूं तुम्हारी तरह। हाँ ऑफिस जाना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी जिम्मेदारियां भूल जाए। आखिर बीवी हूँ मैं आपकी। बदकिस्मती से, और बात अगर तुम्हारी जिम्मेदारियों की ना, तो वो मैं पूरी कर रहा हूँ। ऑफिस के बाद अगर अपने दोस्तों के पास बैठ गया तो क्या हर्ज हो गया? हर्ज तो मेरे पास भी कोई बैठने में नहीं है। मुझे तो याद भी नहीं है कि तुमने मुझसे कब हंस के बात की है। जब ऑफिस से घर पर वापस आओ तो शिकायतों की इतनी बड़ी लिस्ट होती है तुम्हारे पास। हैप्पी मोमेंट के लिए टाइम चाहिए होता, जो कि आपके पास मेरे लिए तो है नहीं। हाँ अलबत्ता दोस्तों के लिए खूब है। टाइम तो मेरे पास तुम्हारी ये फजूल की बातें सुनने का भी नहीं है। आपने सुबह मेरी वजह से नाश्ता नहीं किया ना, उसके लिए सॉरी। और मैं आपके लिए दोबारा नाश्ता बना कर लाऊंगी। कोई बात करनी? जी वो दरअसल शादी को काफी दिन हो गए हैं और घर पे कोई खास काम भी नहीं होता, तो मैं सोच रही थी कि मैं जॉब कर लूं। शादी से पहले भी तुम काम कर रही थी? जी। और उससे पहले? क्या मतलब? मेरा मतलब ये तलाक से पहले कि पहली शादी के दौरान? जी करती थी। तभी तो ये नौबत आई। जो लड़कियां घर संभालने के बजाय बाहर निकल के नौकरियां संभालेंगी तो घर तो बर्बाद होने हैं। वो बात अलग है कि मजबूरन घर से बाहर निकले, और अगर बगैर जरूरत निकलेगी तो घर तो बर्बाद होना ही है। अरे मेरी बेटी को देखो, तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, लेकिन मैंने उसे घर संभालने की नसीहत की है, ना कि उसे नौकरी की। शादी के बाद घर को संभालना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी लड़की की होती है, और जो लड़कियां घर नहीं संभाल पाती उनका घर बचता भी नहीं है। जी समझ गई। क्या खाक समझ गई? मैंने अपने बेटे का घर आबाद करने के लिए उसकी शादी की थी, और अगर शादी के बाद वो कमारों जैसी जिंदगी गुजारे और मैं मुलाजिमों जैसी, तो क्या फायदा हुआ मैं बहू लाने का? जी अम्मी। जी अम्मी। ले जाओ ये अपनी सड़ी हुई चाय। पता नहीं आजकल की माँ इतनी गाफिल क्यों हैं। बात अगर तुम्हारी जिम्मेदारियों की ना, तो वो मैं पूरी कर रहा हूँ। ऑफिस के बाद अगर अपने दोस्तों के पास बैठ गया तो क्या हर्ज हो गया? आखिर मैंने ऐसी भी क्या गलत फरमाइश कर दी जो यान ऐसे भड़क गए मुझ पर? बीवी हूँ उनकी, दिन भर उनका इंतजार करती हूँ, और अगर ऐसे में लेट होने की वजह पूछ लूँ तो उनको ऐसा लगता है कि शायद मैंने कोई गलती कर दी। भाई की गौर। हेलो। हेलो, कैसे हैं भाई आप? और भाभी कैसी हैं? अरे हम सब ठीक हैं। गुड़िया ये बताओ तुम कैसी हो, सब कैसे हैं वहाँ पर? जी भाई सब ठीक है, अंकल आंटी बहुत प्यार करते हैं, बेड से कदम नीचे नहीं रखने देते, बस अयान को चुखड़े उखड़े रहते। अरे गुड़िया, हम मर्दों को घर के साथ साथ काम की भी बड़ी परेशानियाँ रहती है ना। हाँ ठीक कह रहे हैं आप, मैं कुछ ज्यादा ही पोजेसिव हो रही हूँ, शायद वो काम की वजह से ही चिड़चिड़े हुए रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होगा। तुम एक काम करो, उसे थोड़ा टाइम दो, थोड़ा स्पेस दो, इंशाल्लाह सब खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ठीक कह रहे हैं भाई आप, मैं ऐसे ही करूंगी। घर बैठे खाने को मिल जाता है ना, इसलिए ये फतूर जहन में राज करता है। कोई काम काज करो तो पता चले। तुम्हें क्या लगता है कोई काम नहीं करती मैं? ये जब तुम घर आते हो ना, और जो ये पुरसुकून माहौल तुम्हें मिलता है, ये अपना सुकून बर्बाद करके तुम्हें देती हूँ। सुकून माय फुट। ठीक है, अगर मैंने तुम्हारा सुकून बर्बाद किया है तो
तो मैं ही चले जाती हूँ इस घर से। मैं भी इस रोज रोज की चिक-चिक से तंग आ गया हूँ। अच्छा हुआ ये कदम तुमने खुद उठा लिया। जान छोड़ो मेरी और निकल जाओ यहाँ से। अरे अच्छा हुआ आप लोग आ गए। मैं कब से हीरा से मिलना चाह रही थी, लेकिन बस आना ही नहीं हो पा रहा था। मिलना तो हम भी चाह रहे थे आपसे, लेकिन सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। आंटी, अपनों से मिलने के लिए सही वक्त का इंतजार कैसा? मुझे समझ नहीं आ रही कि बात कहाँ से शुरू करूँ। अगर हीरा से कोई गलती हुई हो तो मैं आपसे माफी चाहती हूँ। बाप बनकर पाला है मैंने हीरा को, इसकी हर जिद और ख्वाहिश को पूरा किया है। आप इसको कुछ वक्त दें, ये सब कुछ सीख जाएगी। नहीं नहीं, हीरा तो बहुत अच्छी लड़की है। मैं तो हीरा से कोई शिकायत ही नहीं। फिर क्या बात है, आप लोग ऐसे क्यों बातें कर रहे हैं? दरअसल हमारा बेटा ही हीरा के लायक नहीं है। क्या मतलब? क्या ढूंढ रही हो बेटा, खैरियत तो है? आंटी, अपनी शादी के कंगन और प्राइस बॉन्ड ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रहे। अब्बू की आखिरी निशानी थी वो कंगन, अब्बू ने अम्मी को दिए थे। अरे बेटा सही से ढूंढो, यहीं कहीं होंगे। आंटी हर जगह ढूंढ लिया, नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ चले गए। ये है तुम्हारे कंगन। आपके पास कैसे आई? ये बदबख्त बेचने जा रहा था। लेकिन ये क्यों बेचेगा इसे? क्योंकि साहबजादे बुरी लत में पड़ गए हैं, एक महीने से नौकरी भी छोड़ के बैठे हैं। क्या? लेकिन रोज तो जॉब का ही कह के जाते जाते तो हैं, लेकिन ऑफिस नहीं, जुए के अड्डे पर। और वहाँ सिर्फ जुआ ही नहीं खेलते, मौसूफ नशा भी लेते हैं। इस चक्कर में एक महीने से नौकरी छोड़ के बैठे हैं, और अब तो ये घर की कीमती चीजें चुराने लग गए। लेकिन आप ये सब कुछ कैसे जानते? इनके ऑफिस के साथ ही मिले थे, कहने के आयान ने नौकरी को छोड़ दी। कब छोड़ी? कह रहे हो तो कह रहा है कि ससुराल वालों ने कहा शादी के बाद कारोबार करवा देंगे। तो फिर मैंने इस पर नजर रखना शुरू कर दी, और आज इसे कंगन बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ा मैंने। क्या कमी थी तेरी जिंदगी में जो तू इस नशे जैसे बुरी आदत में पड़ गया? सुकून मिलता है मुझे ये सब करके, जिस घर में यहाँ इसके साथ नहीं मिलता मुझे। बिलावजह आप लोगों ने मेरे गले में ढोल बांध दिया, जिसे मैं मजीद और नहीं बजा सकता। अपनी मर्जी से जिंदगी जीना चाहता हूँ मैं, जहाँ कोई चिड़चिड़ करने वाला ना हो। अपनी जिंदगी तो तूने बर्बाद कर ली, लेकिन मैं किसी की बच्ची की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। जा दफा हो जा, निकल जा, मैं तेरी सूरत भी नहीं देखना चाहती। इसका बंदोबस्त मैंने कर दिया है, ये पकड़ो, चल जा से, चल। नहीं बेटा तू मत रो, मेरे साथ किस्मत तो हमारी खराब है, जो ऐसी औलाद हमें नसीब हुई। मेरे गुनाहगार हैं, माफ कर दे अपनी मां समझ के। बहुत बदनसीब माँ हूं मैं, जो मुझे जैसा बेटा मिला। उसने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ही ली। हम नहीं चाहते कि हीरा की जिंदगी बर्बाद हो। हमें नहीं पता था कि हमारा बेटा जुए की लत के साथ साथ नशे में भी मुब्तिला। पहले तो सिर्फ झगड़ा ही करता था, और अब हीरा पे हाथ भी उठाने लगा है। और हम ये नहीं चाहते कि हीरा के साथ कुछ बुरा हो, इसलिए हमने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। और हमने ये बहुत सोच समझ के फैसला किया कि हीरा की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। मेहरा को अपने बेटे से तलाक दिलवा दूंगा। तलाक? अगर मेरी कोई अपनी भी बेटी होती ना, तो वो मुझसे ऐसी मोहब्बत नहीं करती जैसे हीरा मुझसे करती। इसलिए मैंने ये फैसला किया है।
कि हम कोई अच्छा सलाका देखकर फिर आपकी दूसरी शादी अपनी बेटियों की तरह करें। दरअसल हमारा बेटा ही हीरा के लायक नहीं है, मैंने ये फैसला किया है। मैं हीरा को अपने बेटे से तलाक नहीं देता। अब ये कहाँ लिखा है कि तलाक सिर्फ बदकिरदार लड़की को ही होगी? अरे तो शरीफ और पार्सल लड़कियों को कोई तलाक क्यों देगा? अमी लाजिम नहीं कि हर बार कसूर सिर्फ लड़की का हो और लड़का ही लड़की को तलाक दे। लड़की भी बदकिरदार मर्द से खुला ले सकती है। दूसरा मौका जिंदगी किसी किसी को देती है और इंसान को चाहिए दूसरे मौके में पहले वाली गलतियां ना दोहराएं। फातिमा बेटा मुझे माफ कर दी बेटा, तेरी गुनाहगार हूँ। अरे अम्मी आप क्या कर रही हैं? उठे प्लीज बैठे, आप मुझे गुनहगार ना करें। बेटा गुनहगार तो मैं तेरी हूँ जो मैंने तुम्हारे साथ ये सुलूक किया। शायद तुम्हारे साथ किया हुआ सुलूक मेरी बेटी के सामने आ गया। हर काम में अल्लाह ताला की बेहतरी होती है। देखिए मेरे पहले शौहर मुझ पर कितना शक करते थे, मुझे मारते थे, मुझे पीटते थे, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने मुझे जावेद जैसे रहमदिल शौहर अता किए। ठीक कहता है जावेद कि हर बार कसूरवार लड़की नहीं होती। अम्मी शादी के मामले में इंसान चाहे जितनी भी छानबीन कर ले, लेकिन लड़की का नसीब ही सब कुछ होता है। अगर नसीब अच्छा हो तो लड़की खुशहाल। लेकिन बेटा मेरी बेटी के नसीब तो फूट गए। अरे नहीं अम्मी ऐसा नहीं कहते, आप शुक्र करें कि अल्लाह ताला ने उसे बचा लिया, वरना शराब और जुए की लत में इंसान कुछ भी कर सकता है। शुक्र है हीरा हमारे सामने है, वो जिंदा है, और तलाक याफ्ता होना कोई बुरी बात नहीं है। अक्सर बुरी से बुरी लड़कियों के नसीब भी अच्छे हो जाते हैं, उनके घर बस जाते हैं, और अच्छे से अच्छे अमाल वाली लड़कियों के नसीब नहीं अच्छे होते और उनके घर नहीं बस पाते। आप फिक्र मत करें, अल्लाह ताला हीरा के नसीब बहुत अच्छे करेंगे। बेटा तलाकी याफ्ता लड़कियों के लिए जो मेरी सोच थी वो तुमने बदल दी है। बस मेरी यही दुआ है कि लोगों की सोच भी तलाकी याफ्ता लड़कियों के लिए बदले। अम्मी बहैसियत कौम हमें अपने रवैयों में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। हाँ बेटा, माशरे का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए हमारे जहन को कुशादा करना पड़ेगा, ताकि तलाकी याफ्ता लड़कियों की दोबारा शादी होने से ही माशरा बेरा रवि से बचेगा। बेटा